दोस्तों अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप यूज करते हो तो दोस्तों अगर आप व्हाट्सएप पर दूसरे की चैट देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को इसकी मत करना, क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग अपनी गर्लफ्रेंड या अपने बॉयफ्रेंड या दोस्त फैमिली मेंबर या किसी और की व्हाट्सएप की चैट अपने मोबाइल के अंदर देखना चाहते हैं। दोस्तों बहुत ज़्यादा लोग इस तरह के मैसेज भी करते हैं और दोस्तों इस तरह के वीडियो भी सर्च करते हैं कि दूसरे की चैट अपने मोबाइल के अंदर किस तरह देखेंगे। परंतु दोस्तों मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर एक ऐसा फीचर बताने वाला हूँ जो बिल्कुल न्यू है, और वो फीचर देखने के बाद में दोस्तों आपका खुद का दिल खुश हो जाएगा कि इतना कमाल का फीचर। दोस्तों अगर आप चैट देखना चाहते हो अपने मोबाइल के अंदर, चाहे आपके दोस्त की है या फिर आपके गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, दोस्त है, फैमिली मेंबर, किसी की भी व्हाट्सएप की चैट अगर देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को इसकी मत करना। वीडियो को कंप्लीट एंड तक मेरे साथ बने रहना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर फॉलो कर दीजिए। दोस्तों अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हो, व्हाट्सएप के अंदर आप व्हाट्सएप पर दूसरे की चैट देखना चाहते हो, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपका बॉयफ्रेंड है, कोई भी किसी की भी व्हाट्सएप की चैट अगर देखना चाहते हो तो दोस्तों मैं आज आपको एक कमाल का न्यू फीचर बताने वाला हूं जो दोस्तों आप खुद उसको एक बार यूज करने के बाद में खुद बताओगे कि वास्तविक कमाल का फीचर है। दोस्तों सबसे पहले तो इस तरह के दोस्तों बहुत ज़्यादा लोग वीडियो यूट्यूब पर सर्च भी करते हैं, जैसे यहाँ मैं लिख देता हूँ मैं यहाँ सर्च करता हूँ तो यहाँ दोस्तों आपको इस तरह के वीडियो बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, दूसरे की व्हाट्सएप की चैट कैसे देखें, ठीक है, दूसरे की व्हाट्सएप चैट कैसे देखें, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ आपको बहुत ज़्यादा इस तरह के वीडियो मिल जाएंगे जो आप देखोगे तो दोस्तों, परंतु इन वीडियो के अंदर जो बताया गया है वो दोस्तों एक्चुअली में कोई एप्लीकेशन नहीं बताई गई है, वो इनके वीडियो के अंदर जो लिंक बताया गया है वो इनके वेबसाइट का ही लिंक है। और यहाँ दोस्तों देखिए तो यहाँ मिलियन के अंदर व्यूज, मैं किसी वीडियो को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ परंतु मैं जो सच्चाई है वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इस तरह के आपको बहुत ज़्यादा वीडियो यहाँ मिल जाएंगे, आप देख सकते हो। परंतु दोस्तों इनके अंदर आपको कोई सटीक फीचर नहीं बताया गया। आपको दोस्तों क्या करना, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर को ओपन करना, ओपन करने के बाद में दोस्तों आपको अपने व्हाट्सएप को कर देना अपडेट, ठीक है। मैंने ऑलरेडी अपडेट कर दिया, आप अपने व्हाट्सएप को पहले अपडेट कर दीजिए। अपडेट करने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले व्हाट्सएप ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद में दोस्तों इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड है या फिर अपने दोस्त है या फिर दोस्तों इस वीडियो को आप एजुकेशन के पर्पज से काम ले सकते हो, आप अपने बच्चों पर ध्यान रख सकते हो, अगर आपके बच्चों के पास मोबाइल है व्हाट्सएप चलाते हैं तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रख सकते हो कि बच्चा आखिर व्हाट्सएप के अंदर क्या कर रहा है, तो आप अपने मतलब सिक्योरिटी रीजन के हिसाब से इसको यूज ले सकते हो। दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले तो दोस्तों आपको थ्री डॉट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना। क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा सेटिंग का, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा चैट का। अब कई लोग कहेंगे चैट के अंदर कौन सा फीचर है, तो दोस्तों आप ध्यान देखिए मैं आपको बिल्कुल सटीक फीचर बताने वाला हूँ। चैट वाले ऑप्शन पर आपको दोस्तों एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है तो दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलेगा चैट बैकअप का। अब यहाँ भी कई लोग प्रश्न उठाएंगे कि चैट बैकअप का तो हमें पता है, परंतु आपको दोस्तों चैट बैकअप का ही पता है, चैट बैकअप कैसे लेते हैं वो ही आपको ये नहीं पता है कि अब मैं यहाँ क्या बताने वाला हूँ वो। यहाँ दोस्तों कई लोग क्या करते हैं कि दोस्तों यहाँ चैट बैकअप ही यूज लेते हैं और इन फीचर को चालू या फिर बंद कर देते हैं, जिससे वीडियो या फिर इमेज है क्या साइज की है वो आ रही है या फिर नहीं आ रही। परंतु दोस्तों यहाँ आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो आपको एक ऑप्शन मिलता है गूगल अकाउंट का। इस गूगल अकाउंट के अंदर जो जीमेल आईडी है वो किसकी, अगर दूसरे की जीमेल आईडी है तो दोस्तों आपका जितना भी बैकअप है वो दूसरे के पास जा रहा है, आपकी प्राइवेसी लीक हो रही है। आपको यहाँ चेक करना है कि यहाँ जो जीमेल है वो जीमेल आपका है या फिर किसी दूसरे का। कई बार के दोस्तों क्या होता है, आपके दोस्त आपसे मोबाइल मांग के लेते हैं, उसके बाद वो अपना जीमेल डाल देते हैं, उसके बाद दोस्तों बैकअप होता है वो सारा का सारा आपका उस जीमेल पर चला जाता है। तो आपको दोस्तों यहाँ ध्यान में रखना है कि यहाँ जो गूगल अकाउंट है वो जीमेल आईडी आपकी है या फिर किसी दूसरे की। अगर दूसरे की है दोस्तों तो उस जीमेल को आपको तुरंत लॉगआउट करना और अपनी खुद की जीमेल आईडी डालनी, नहीं तो दोस्तों आपके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सेटिंग आपको अगर आप किसी को भी मोबाइल दे रहे हो तो वापस लेते वक्त इस आपको फ्यूचर देखना बहुत जरूरी है कि जीमेल के अंदर जीमेल आईडी आपकी है या फिर किसी दूसरे की है, तो इस तरह आप इसका पता भी लगा सकते हो। दोस्तों इस फ्यूचर के बारे में आपकी क्या राय है, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन जरूर दीजिए, मेरे को दीजिए। इजाजत, मैं मिलता हूँ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।